एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडेज आवर टॉपिक इज प्रनाउन. प्रनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ यूज होता है, उन टाइप्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो प्रनाउन कब यूज होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है. प्रनाउन जब यूज होता है, जब हमें कम शब्दों में अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचानी हो तो प्रनाउन को हम यूज करते हैं. एंड इस वीडियो में आप जो भी सीखेंगे वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी. तो हम शुरू करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे अ प्रनाउन इज अ. इस सबको राइट डाउन करते रहिएगा अपने नोटबुक में अपने फर्दर यूज के लिए. अ प्रनाउन इज अ वर्ड दैट इज used in place of a noun to avoid. क्या avoid करने के लिए? Repetition. Repetition. It means ये line क्या कह रही है? Line कह रही है कि pronoun जो है वो एक word है जो कि कहाँ use होता है? Noun की place पर use करते हैं हम इसको. जहाँ पे हमें noun use नहीं करना होता वहाँ पर pronoun use करते हैं ताकि repetition ना हो, repeat ना हो बार बार ही वो word. जैसे मैं आपको एक example लिखवाती हूँ, ले लेते हैं example. Ram is a good boy. Ram plays क्रिकेट. राम हैज टू कार्स. राम लव्स राम्स पेरेंट्स. तो देखिए, एक तो ये सेंटेंस कितना बड़ा है और इसमें जो बार बार यूज करना पड़ रहा है, हमें राम 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 करना पड़ रहा है, राम का नाम बार बार लेना पड़ रहा है. तो इसमें जो रेपिटेशन हो रही है हम इसको रिमूव कर देंगे, इसमें से अवॉइड करेंगे. तो हम इसको प्रनाउन के उसमें कैसे लिखेंगे? इसमें ये जो राम जो है वो क्या है? हमारा नाउन है जिसके बारे में बात हो रही होती है. ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी नाउन है, ये भी, ये भी. तो हमें अगर प्रनाउन यूज करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इज अ गुड बॉय. ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. फिर राम की जगह क्या लगाएंगे? ही हैज टू कार्स. ही लव्स हिज पेरेंट्स. यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस जो है थोड़ा सा छोटा हो गया एंड इस सेंटेंस में रेपिटेशन नहीं हो रही है, उसका नाम बार बार नहीं लिया जा रहा है नाउन का. तो नाउन के प्लेस पर जो चीज़ हम यूज करते हैं वो होता है प्रनाउन टू अवॉइड रेपिटेशन. जैसे मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ इसमें, जैसे सच इसमें लिखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस आर क्या होते हैं? जैसे ही शी हिम हर यू मी माई सेल्फ एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं हमारी प्रनाउन. हमें नाम की जगह, किसी लड़के की बात हो रही है एक बार उसका नाम लेंगे, अगर वो सामने तो हमें उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही शी हिम हर यू मी माई सेल्फ. ठीक है, तो प्रनाउन आपको समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रनाउन. टाइप्स ऑफ प्रनाउन, प्रनाउन भी काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, एक एक करके हम सारे कवर करेंगे. फर्स्ट टाइप होता है इसका पर्सनल प्रनाउन. कौन सा? पर्सनल प्रनाउन. सेकंड होता है पॉजेसिव. थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव. फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव. फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव आप पहले भी नाउन पढ़ चुके हैं. एंड सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रनाउन. सेवन्थ इज इंडेफिनाइट. एंड लास्ट वन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल प्रनाउन. तो अभी हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रनाउन.
तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से अपना, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सेटिंग डालते हैं इसमें. फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, बहुत ज़्यादा इजी होता है ये सब प्रोनाउन के टाइप्स. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन्स आर सिंपल प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड, कब यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स. जैसे हम नेम्स की जगह पर यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, वो सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन. जैसे अभी मैं अपना नाम ना लेकर आई यूज़ कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो मी यूज़ कर सकती हूँ. तुम्हारा नाम लेकर जैसे राज की बात कर रही हूँ, तो राज मेरे सामने है तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यू यूज़ कर सकती हूँ. तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख लीजिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर आई यू ही शी वी दे, ये सब होते हैं. अभी एक्सेट्रा अभी मैं आपको और ज़्यादा बताऊँगी इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. तो एक टेबल बना लेते हैं इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं पर आई लिखूँगी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी. अगर मैं बोलूँ मैं मुझसे प्यार करती हूँ, तो आई लव मी, आई हेट मी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होगी तो मी आ जाएगा, सब्जेक्ट की बात होगी तो आई आ जाएगा. लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, मेरे ही बारे में बात हो रही है. तो यू का ऑब्जेक्ट जो होता है वो यू ही रहता है. वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, अस, हम की जगह अस आ जाएगा वी की जगह. दे का देम, इट का सेम रहता है इट. ही का हिम बन जाता है एंड शी का हर बनता है. ठीक है, आई का मी क्यों बना है अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है. और जो यू होता है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. वी जो होता है वो प्लूरल होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं. दे भी प्लूरल होता है, इट सिंगुलर होता है, ही भी सिंगुलर होता है, शी भी सिंगुलर होता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं रिया से मिली थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई मैट रिया, मैं रिया से मिली थी. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं. किससे मिली थी, किसके बारे में बात हो रही है, रिया से. तो ऑब्जेक्ट कौन हो गई, रिया. और सेम चीज़ अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, रिया मैट मी, रिया मुझसे मिली थी, मैं रिया से नहीं, रिया मुझसे मिली थी. तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गई, रिया. ऑब्जेक्ट कौन हो गई, मैं. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, शी वॉज वेटिंग फॉर मी. शी इज अ सब्जेक्ट, मी इज अ ऑब्जेक्ट. He runs fast. Did you see him? वो बहुत तेज भागता है, क्या तुमने देखा उसे. तो इसमें एक ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ऐसे ले जाएंगे, लिखेंगे You are clever, I
नो यू, तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम चालाक हो, मैं तुम्हें जानती हूँ. यू का यू ही रहा, अभी मैंने बताया था, ये सेम रहता है. ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ आया होगा. पर्सनल प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं, जब हमें उसका नाम नहीं लेना होता है, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले पे पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनाइट एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सब कवर करेंगे. जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू.